अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज आज हम क्लास 9th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, इसका लेक्चर जो है इंट्रोडक्शन टू बायोडाइवर्सिटी होगा। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी के हम बारे में पढ़ेंगे, इट्स अबाउट और डिस्कस करेंगे बायोडाइवर्सिटी क्या है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन क्या होता है। ठीक है, ये चार इंट्रोडक्शन के अंदर हम पढ़ते हैं। सबसे पहले वो कहता है कि जो ना ये आपकी अर्थ के अंदर पाए जाने वाले जो जिंदा जानदार हैं, ठीक है, उनकी कितने किस्में पाई जाती हैं। ठीक है, आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है 10 मिलियन काइंड ऑर्गेनिज्म पाई जाती हैं आपकी अर्थ के ऊपर, आपकी जमीन के ऊपर रहने वाली कितनी भी मखलूकात हैं। ठीक है, वो सारी की सारी जो जिंदा मखलूकात की बात कर रहे हैं। ठीक है, वो सारी की सारी 10 मिलियन काइंड के अंदर आती है। ठीक है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन हम पढ़ते हैं, ये इंट्रोडक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं कि इंट्रोडक्शन क्या है बायोडाइवर्सिटी का, डिफाइन बाद में पढ़ते हैं, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। ठीक है, वो कह रहा है, ठीक है, 10 मिलियन काइंड्स ठीक है, 10 मिलियन काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी ऑर्गेनिज्म की 10 मिलियन काइंड जो होती हैं, किस्में वो अकसाम ऑर्गेनिज्म की आपकी अर्थ के ऊपर पाई जाती हैं, जितने भी जिंदा जानदार हैं, चाहे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, आपकी अर्थ के ऊपर रहने वाले या आपकी अर्थ से ऊपर रहने वाली, अर्थ से ऊपर रहने वाली कौन कौन सी हैं, बर्ड्स हैं। ठीक है, उसके उनके अंदर आपके परिंदे आ जाएंगे। ठीक है, अर्थ के ऊपर रहने वाले जो रेंगने वाले जानदार हैं, ठीक है, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हशरात, और जमीन के ऊपर जो खड़े होने वाले चार टांगों पर गाय भैंस बकरियां भेड़, ये सारे के सारे जिंदा जानदार जो हैं इनके अंदर शामिल होते हैं 10 मिलियन काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन है। ठीक है, ये एमसीक्यू के तौर पर पेपर के अंदर पूछा जा सकता है। ठीक है, ये पेपर के अंदर पूछा गया है, कई बार आया हुआ है। और इसके आगे हम पढ़ते हैं कि ना जो जिंदा जानदार हैं, डाइवर्सिटी जो है, डाइवर्सिटी क्या है। ठीक है, आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है डाइवर्सिटी अमंग द अर्थ ऑर्गेनिज्म इज मोर ऑब्वियस देन द फंडामेंटल यूनिटी ऑफ लाइफ। वो कहता है कि डाइवर्सिटी जो है वो अर्थ पर रहने वाले जिंदा जानदारों से ऑब्वियस, मोर ऑब्वियस है, यानी ज्यादा वाजी है। ठीक है, देन द फंडामेंटल यूनिटी ऑफ लाइफ। देखें स्टूडेंट्स, आप एक सेल से बने हुए हैं। ठीक है, इंसान भी एक सेल से बने हुए हैं, एनिमल जो है, जानवर जो है, वो भी एक सेल से बने हुए, सेलों से बने हुए हैं। ठीक है, लेकिन इनके काम करने के तरीके अलग अलग हैं, इनके अंदर खसूसियात जो है वो मुख्तलिफ तरह की पाई जाती हैं। ठीक है, एनिमल्स और तरह के जो है उनके अंदर फंक्शन है, ह्यूमन के अंदर और तरह के फंक्शन है। ठीक है, लेकिन है ये एक सेल से बने हुए हैं। ठीक है, यानी पीछे सेल जो है फंडामेंटल यूनिटी जो है इनकी एक ही है। ठीक है, वो आगे सेल के मिलने से जो है वो और तरह के जानदार जो है बने हुए हैं। ठीक है, यही उसका मकसद है, ये कह रहा है। आगे देखें, आपने जो है वो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक पढ़ा था, आपने जो है पांच तरह के जो है इसके अंदर ग्रुप्स पढ़े थे। ठीक है, आपने पढ़े थे प्रोकैरियोट्स पढ़ा था, ठीक है, प्रोटिस्ट पढ़ा था, प्रोटिस्ट पढ़ा था, आगे है फंजाई पढ़ा था आपने, आगे एनिमल्स प्लांट्स पढ़े हैं। ठीक है, ये पांच तरह के ग्रुप्स आपने पढ़े थे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इन चैप्टर के अंदर भी आपने आप जो है फाइव मेन ग्रुप्स के अंदर पढ़े, फाइव मेन ग्रुप्स के बारे में इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है आपने। ये चैप्टर जो है इसके अंदर फाइव मेन ग्रुप्स हैं, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के। ठीक है, लेकिन आपने पिछले पहले चैप्टर के अंदर भी पढ़े थे प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, प्रोटिस्ट क्या होते हैं, फंजाई क्या होते हैं, एनिमल्स क्या होते हैं, प्लांट्स क्या होते हैं। देखिए ये प्रोकैरियोट्स हैं, ठीक है, प्रोकैरियोट्स आपने पढ़ा था, यानी पुराने सेल से मिलकर बनने वाले जानदार जो हैं, प्रोकैरियोट्स एक सेल से मिलने वाले बनने वाले जानदार जो हैं, जैसे बैक्टीरिया होता है। ठीक है, बैक्टीरिया इसकी एग्जांपल ले सकते हैं आप। ठीक है, लेकिन ये आपके आपने आप इस लेक्चर के अंदर मैं पढ़ा नहीं सकता, लेकिन आपको शॉर्ट बता सकता हूँ। प्रोकैरियोट्स अपने जो एक सेल से मिलकर बनते हैं उन्हें प्रोकैरियोट्स कहा जाता है, बैक्टीरिया कहा जाता है, यानी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। आगे हैं प्रोटिस्ट, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक से ज्यादा सेलों से मिलकर बनते हैं। ठीक है, आगे है फंजाई, फंजाई भी जो होते हैं मल्टी सेलुलर होते हैं ऑर्गेनिज्म, इनकी कुछ काइंड्स होती हैं जो कुछ यूनिसेलुलर होती हैं, कुछ मल्टी सेलुलर भी होती हैं। आगे देखें एनिमल्स, प्लांट्स जो है ये एक से ज्यादा सेलों से मिलकर बनने वाले जानदार हैं। ठीक है, एनिमल्स के अंदर ह्यूमन भी शामिल है। ठीक है, साइंस ने कहा है कि ह्यूमन भी एक एनिमल है। ठीक है, लेकिन हमें तो अल्लाह ताला ने एक
अलहदा मखलूक बनाया कि इंसानी मखलूक बनाया, हम एनिमल तो नहीं हो सकते, लेकिन साइंस ने वैसे कहा कि हम एनिमल के अंदर आते हैं, ठीक है, ह्यूमन भी एनिमल्स के अंदर आते हैं। अब यहाँ प्लांट्स, यानी आप देखते हैं इस अर्थ के ऊपर ये सारी की सारी जो होती है मखलूकात एनिमल्स, वो एक तरह कितनी है, सारी की सारी गाय हों, सारी की सारी काउज हों, बफलोज हों, ठीक है, ये एक जैसी तो नहीं है, इनकी भी नस्लें हैं आगे लहदा लहदा इनके जानदार, उनकी डाइवर्सिटी आपने हमने आज पढ़ना है, ठीक है, उनकी बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। आगे देखें बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ते हैं, बायोडाइवर्सिटी है क्या, ठीक है, इनको हम जो है वो रेंज कर देते हैं, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, ठीक है, बायो मीन होता है, बायो मीन तो आपको पता है लाइफ है, डाइवर्सिटी आप वैरायटी कह सकती हैं इसको, ठीक है, कौन सी वैरायटी, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की वैरायटी के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, लाइफ का मतलब होता है, बायो का मतलब होता है लाइफ, लाइफ किन की लाइफ, लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ हम पढ़ते हैं इनके अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ पढ़ते हैं, ठीक है, वैरायटी भी वैरायटी अकसाम को कहती है, किस्मों को कहती है, ठीक है, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की अलहदा वैरायटी है, ठीक है, ठीक है, ये भी ऑर्गेनिज्म की होती है वैरायटी, ठीक है, ऑर्गेनिज्म की वैरायटी होती है, ठीक है, हम देख रहे हैं, हमने देखना है बायोडाइवर्सिटी है क्या, आपने यानी बायोडाइवर्सिटी है इस दुनिया के अंदर कितनी भी सारी की सारी मखलूकात जो हैं, कितनी भी रहने वाली मखलूकात हैं, प्लांट्स की अलहदा हैं, प्लांट्स जो होती हैं वो एक अलहदा उनकी डाइवर्सिटी है, ठीक है, एनिमल्स की अलहदा डाइवर्सिटी है, ठीक है, सारी की सारी जो है एक मखलूकात, इनकी सारी की सारी बायोडाइवर्सिटी, आपने सुना होगा कि एक इलाका के अंदर रहने वाली मखलूक जो है और दूसरे इलाका के अंदर, जैसे ये मैं बना रहा हूँ, ठीक है, डायग्राम, ये अर्थ है आपकी, ठीक है, यहाँ ये भी एक इलाका है, ठीक है, और ये भी एक इलाका है, ठीक है, आपने सुना होगा कि इस इलाके के अंदर बायोडाइवर्सिटी कम है, ठीक है, कि इस इलाका के अंदर बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है, क्यों ज्यादा है, कि एक इलाका के अंदर रहने वाली मखलूकात जो है वो बहुत ज्यादा होती है, मुख्तलिफ तरह की उनके अंदर मुख्तलिफ तरह की जो है एनिमल्स रहते हैं, मुख्तलिफ तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं एक इलाका के अंदर, वो ज्यादा रहते हैं कम रहते हैं, ठीक है, लेकिन जिनकी बायोडाइवर्सिटी कम है आप समझेंगे उनकी जो है वहां पर रहने वाले डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कम है, ठीक है, जिनकी डाइवर्सिटी ज्यादा है उनकी जो है उनके अंदर रहने वाले डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ह्यूमंस हो गए, यानी कितने भी यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे के सारे यानी उनकी डाइवर्सिटी उनकी बायोडाइवर्सिटी के अंदर आ जाएंगे, बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है, ठीक है, इसे कहते हैं बायोडाइवर्सिटी की डिफाइन, देखें आपकी बुक के अंदर लिखी हुई है डाइवर्सिटी, वो कहता है डाइवर्सिटी का मतलब क्या है, डाइवर्सिटी मींस वैरायटी विद इन द स्पीशीज एंड अमंग द स्पीशीज, वो कहता है कि डाइवर्सिटी जो है एक वैरायटी है, ठीक है, विद इन द स्पीशीज एंड अमंग स्पीशीज, सबसे पहले हम जो है वो इनकी ये एक लाइन पे पढ़ते हैं ये क्या है, ठीक है, डाइवर्सिटी क्या होती है, ठीक है, डाइवर्सिटी विद इन अ स्पीशीज एंड अमंग स्पीशीज, ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है कि डाइवर्सिटी क्या है विद इन अ स्पीशीज, विद इन स्पीशीज के अंदर किस तरह की होती है, सबसे पहले हम स्पीशीज की डिफाइन पढ़ेंगे कि ऐसे जिंदा जानदार जो यानी रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, जो औलाद पैदा करते हैं, रिप्रोडक्शन करने का काम करते हैं, जो औलाद पैदा कर लेते हैं बार बार, जैसे ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, ठीक है, ये सारे के सारे जो हैं वो औलाद पैदा कर सकते हैं, ठीक है, स्पीशीज उन्हें कह सकते हैं, ठीक है, यानी विद इन अ स्पीशीज, ठीक है, स्पीशीज के अंदर, ठीक है, जैसे आप मिसाल लें, ठीक है, काउ की मिसाल ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है, काउज जो होती हैं वो एक तरह की नहीं होती है, ठीक है, इनकी जो है वो किस्में और तरह की होती हैं काउज की, ठीक है, आप देखते हैं कि काउ यानी उनकी यानी आपने देखे हो कि लोग उनको और कुछ नाम उन्होंने रखे होते हैं, ये गाय ये है, ठीक है, ये गाय ओवलैपिंग की तरह के, यानी उन्होंने मुख्तलिफ तरह के नाम रखे होते हैं, ठीक है,
ये है विद इन अ स्पीशीज, एक काउ जो होती है, एक लाख काउ जो होती है वो एक स्पीशीज है स्टूडेंट, आपने समझना है, एक काउ जो है जैसे एक स्पीशीज है, ठीक है, वुमेन एक स्पीशीज है, एनिमल जो होते हैं वो, उन एनिमल कितने भी तरह के, उनकी अलग अलग स्पीशीज है, ठीक है, एनिमल एक तरह के नहीं है इस दुनिया के अंदर, भैंस के स्पीशीज, भैंस जो होती है वो एक स्पीशीज है, काउ एक स्पीशीज है, ठीक है, डॉग जो है वो एक स्पीशीज है, ठीक है, जैसे कैट आप ले लें, ठीक है, कैट बिल्ली जो है उनकी, उनकी भी एक स्पीशीज है, ठीक है, और कितनी भी तरह की कैट होती है वो उनकी एक अलग अलग स्पीशीज है, ठीक है, ये है स्पीशीज, काओ कितनी भी तरह की होती है, काओ की यानी एक काओ, यानी एक तरह के लिए भी ऑर्गेनिज्म है ना, लेकिन ये यानी यानी ये पहले, यानी पहली नस्ल है और दूसरी नस्ल और तरह की होगी काओ की, ठीक है, ये है विद इन अ स्पीशीज। अमंग स्पीशीज क्या होता है, अमंग स्पीशीज होता है जैसे आप ले लें बफलो, ले लें बफलो, भैंस को कहती हैं एंड काओ गाय को कहती हैं, ठीक है, इनके अंदर आपस में रिलेशन क्या है, ठीक है, इनके दरमियान अमंग, अमंग होता है दरमियान में, ठीक है, ये आ जाएगा, यानी ये है डिफाइंड डाइवर्सिटी के, ठीक है, जानदारों के दरमियान, यानी बफलो मुख्तलिफ तरह के जानदारों के तरह आपस में रिलेशन होते हैं अमंग, ठीक है, स्पीशीज जो होती है विद इन अ स्पीशीज, स्पीशीज के अंदर यानी उनकी, यानी जो स्पीशीज, जो विद इन अ स्पीशीज के अंदर वो एक तरह की स्पीशीज की आगे और तरह की जो है स्पीशीज होती हैं, ठीक है, जैसे काओ की और भी स्पीशीज होती हैं, ठीक है, इसी तरह यानी मंग स्पीशीज यानी मतलब तरह की स्पीशीज के अंदर दरमियान के अंदर जो है वो रिलेशन ताल्लुकात जो होती हैं वो होती हैं, ठीक है, आगे हम देखते हैं, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी क्या है, बायोडाइवर्सिटी आगे हम बता देते हैं, बायोडाइवर्सिटी जो है वो इज द एक मेजरमेंट है, ठीक है, कितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है दुनिया के अंदर पाए जाने वाले अर्थ के ऊपर जो है, चाहे प्लांट्स, एनिमल्स हो, बर्ड्स हो, कोई भी इस दुनिया के अंदर कीड़े मकोड़े अशरात सब कुछ, ये सारे के सारे हैं, इनकी मेजरमेंट है, ठीक है, कहता है बायोडाइवर्सिटी इज द मेजर ऑफ द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन डिफरेंट इकोसिस्टम, यानी इज द मेजरमेंट है, ठीक है, वैरायटी की मेजरमेंट है, ठीक है, वैरायटियां कितनी भी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म की अर्थ के ऊपर पाई जाती है उनकी, यानी उनकी मेजरमेंट है, ठीक है, एक इलाका के खास इलाका के अंदर रहने वाली मखलूक उनकी उनकी जो है मेजरमेंट, ठीक है, कितनी मेजरमेंट है, कितनी बायोडाइवर्सिटी है, वहां पे रहने वाले कितने जिंदा जानदार हैं, ठीक है, वो सारे के सारे उनकी मेजरमेंट जो है बायोडाइवर्सिटी के अंदर आ जाएगी, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी इट इज द मेजरमेंट, इट इज द मेजर ऑफ वैरायटी प्रेजेंट इन डिफरेंट इकोसिस्टम, प्रेजेंट इन डिफरेंट इकोसिस्टम इकोसिस्टम, ठीक है, वो कहता है कि इट इज अ मेजर है ऑफ वैरायटी, वैरायटी की मेजर है, ठीक है, ऑफ ऑर्गेनिज्म के वैरायटी की कितनी भी वैरायटी होती है उनकी मेजरमेंट है, प्रेजेंट इन डिफरेंट इकोसिस्टम, इकोसिस्टम होता है एक ऐसा इलाका जहां पर लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, रहती हैं, ठीक है, यानी जहां पे लिविंग ऑर्गेनिज्म भी हो, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी पाए जाते हों, उन्हें इकोसिस्टम कहा जाता है, ठीक है, ठीक है, उनके अंदर जो है उनकी मेजरमेंट है, यानी एक इलाका के अंदर कितनी मखलूक रहने वाली है, दूसरे इलाका के अंदर कितनी मखलूक रहने वाली है, ठीक है, आगे देखिए बायोडाइवर्सिटी की टाइप्स हैं, ठीक है, दो तरह की टाइप्स हैं, एक है फ्लोरा है, एक फ्लोरा है, एक है फौना है, फौना, ठीक है, ये शॉर्टकट के तौर पर भी आपके पेपर के अंदर पूछा जा सकता है, ज्यादा पेपर के अंदर आया हुआ है डिफरेंशिएट बिटवीन फ्लोरा एंड फौना, ठीक है, फ्लोरा क्या होता है, यानी प्लांट्स को कहते हैं, यानी प्लांट्स की स्टडी को कहते हैं, ठीक है, फ्लोरा द बायोडाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स को कहेंगे, बायोडाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स फ्लोरा कहलाती है, ठीक है ना, इसे फ्लोरा कहें, बायोडाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स, कितने भी तरह के प्लांट्स है, ठीक है, इस प्लांट्स की भी अलग अलग वैरायटियां होती हैं, ठीक है, एक प्लांट कहीं पे जो है वो यानी देखें आम है, ठीक है, कहीं पे देखें सेब है, कहीं पे देखें केला है, कहीं पे और तरह के प्लांट्स हैं, ठीक है, फ्रूट वाले प्लांट्स हैं जैसे मैंने बता चुका हूँ, और इनके अलावा फ्रूट के बगैर जो हैं प्लांट्स वो हैं, ठीक है, मुख्तलिफ तरह के प्लांट्स हैं, उनकी अलग अलग वैरायटी हैं, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी वो सारे के सारे फ्लोरा के अंदर आ जाएंगे, ठीक है, आगे है फौना, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स,
ठीक है, ये बायोडाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स की जो है वो बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है। कितने भी तरह के एनिमल्स हैं, बफलो है, काऊ है, यानी गोट है, ठीक है, शीप्स हैं, ठीक है, ये सारी की सारी जो है वो इनके अंदर आ जाएंगी, ठीक है, यानी फौना के अंदर आ जाएगी, वो फौना के अंदर। अच्छा, एफ से बनता है फ्लावर, ठीक है, एफ से क्या बनता है, फ्लावर। तो फ्लावर बनता है, आपने ये याद रख लेना है कि इनसे मुराद है कि बायोडाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स की बायोडाइवर्सिटी। जब पेपर के अंदर सवाल आता है तो बच्चे जो है, स्टूडेंट्स होते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं इस बात पे। अगर फौना है वो खुद ब खुद आपके जहन में आ जाएगा, बायोडाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स की बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है। आगे देखें, वो कहता है कि बायोडाइवर्सिटी जो है वो बायोडाइवर्सिटी के जो है वो पूरे पूरे जिंदा जानदारों की जो है एक बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है, उनकी मेजरमेंट है, ठीक है। इसके बाद जो है हम बायोडाइवर्सिटी के अंदर एक और चीज पढ़ते हैं, फिर टॉपिक जो है लेक्चर जो है माइंड अप करेंगे। ये देखें, ये आपकी अर्थ है, ठीक है, ये आपकी अर्थ है, ठीक है। इनके अंदर एक लाइन होती है जिसे इक्वेटर कहते हैं, इक्वेटर, इक्वेटर कहते हैं, ठीक है। ये इक्वेटर है, अर्थ के दरमियान एक लाइन होती है, ठीक है। इनके ये इलाके, इन्हें जो है कहा जाता है ट्रॉपिक्स, कहा जाता है, ठीक है। यहां पे देखें स्टूडेंट्स, यहां पे जो होती है वो जिंदगी मुमकिन होती है, पॉसिबल होती है, लाइव, ठीक है। यहाँ पे जिंदगी जो होती है रहना पॉसिबल होती है, क्यों, यहाँ पे गुड कंडीशन होती है, ठीक है, रहने की, टेम्परेचर मुनासिब किस्म का मिलता है, ठीक है, हवा जो होती है वो यानी आपको हर तरह की खाने पीने की चीज होती है वो अच्छी मिलती है, नाइस मिलती है, ठीक है। यहाँ पे रहने की कंडीशन गुड होती है, ट्रॉपिक्स के अंदर ज्यादा जिंदगी जो होती है मुमकिन होती है, ठीक है। इनके जो है ऊपर होता है एक इलाका, इसे पोलर कहते हैं, पोलर रीजन कहा जाता है, ठीक है, पोलर रीजन का। यहां पे जिंदगी नामुमकिन होती है, जिंदगी बहुत कम होती है, ठीक है, जिंदगी रहने के काबिल ही नहीं होती, यानी इंसान जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं रह सकता, बहुत कम होता है, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पे बहुत ही कम होता है, ठीक है, रहने की जिंदगी मुमकिन नहीं होती, इम्पॉसिबल होती है। आगे है टेम्परेट रीजन, कुछ ये दरमियानी इलाका होता है, ठीक है, इनके अंदर जो है जिंदगी जो होती है मुमकिन होती है, ठीक है। ट्रॉपिक्स जो होता है यहाँ पर जिंदगी कम होती है, यानी कुछ बेहतर होती है, ठीक है, बेस्ट होती है, ठीक है, रहने के काबिल होती है, टेम्परेट रीजन, टेम्परेट रीजन कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो होते हैं मौत, यानी एक जिंदगी जो होती है वो दरमियानी होती है, जिंदगी लिविंग ऑर्गेनिज्म रहती हैं लेकिन यहाँ पे भी कम होती है कुछ ना कुछ, लेकिन पोलर रीजन से, पोलर रीजन पर जो है टेम्परेचर बहुत कम होती है, जिंदगी बिल्कुल जो है रहने के काबिल नहीं होती, ठीक है, इम्पॉसिबल होती है लाइफ, ठीक है। 600 मिलियन ईयर्स को, ठीक है, यानी 600 मिलियन साल पहले जो जिंदगी जो होती है वो वजूद में नहीं आई थी जब, ठीक है, इस दुनिया के अंदर वो साइंटिस्ट कहते हैं कि जो लाइफ थी वो बैक्टीरिया एग्जिस्ट करते थे, इस इन अर्थ पर जो है बैक्टीरिया एग्जिस्ट करते थे, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इन पर एग्जिस्ट करते थे। हम जो इंसान जो है, ह्यूमन जो है, या और तरह की कई मखलूकात हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ये सारी की सारी मखलूकात जो है बैक्टीरिया से बनी है, बैक्टीरिया के एक सेल से मिलकर बने हैं, ठीक है, एक सेल से बने, एक सेल से, एक सेल उनसे बना, ठीक है, यानी लिया, ठीक है, और उनसे ज्यादा आगे मखलूकात बन गई, एक से ज्यादा सेलों में आगे डिवाइड हो गई, ठीक है, यानी ह्यूमन बन गए, ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से जो है हम हैं, पैदा हुए, ठीक है, उनका ये ख्याल है, ठीक है, लेकिन हकीकत जो है वो ह्यूमंस की नहीं जानते, जिस तरह कुरान पाक ने बताई है, ठीक है, लेकिन वो साइंटिस्ट का ख्याल है, ठीक है। ये था लेक्चर आज का, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। स्टूडेंट्स, अगर पसंद आया हो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।